इलेक्शन की तारीखों में बदलाव किया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि देव उठनी एकादशी और इस देव उठनी एकादशी को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसे लोग जो है वो वोट देने के लिए जाएंगे। 25 नवंबर को राजस्थान में अब चुनाव होंगे, यानी दो दिन इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। 23 नवंबर पहले तारीख रखी गई थी और अब नई तारीख 25 तारीख है। ये आपको वो निर्देश, वो आदेश बता रहे हैं जिसमें डेट को चेंज किया गया है। और ये देखिए, ये पढ़िए, 25 नवंबर 2023 को अब चुनाव होंगे। और सुनील यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी? 25 तारीख को डेट, अब 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने हैं। जी बिल्कुल मेगा, ये अभी की सबसे बड़ी अपडेट है। जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे और 5ों राज्यों के लिए जो चुनाव आयोग की जो टीम है वो सभी राज्यों का दौरा करने के बाद एक तारीख तय की, उसमें राजस्थान विधानसभा चुनाव की जो तारीख थी वो 23 नवंबर थी। लेकिन अभी जो लगातार जो सामाजिक संगठन और तमाम जो राजनीतिक दल उस पर आपत्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह खाचरियावास, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। अपमान कभी आपने देखा राजस्थान में? अब देखते हैं क्या हो रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आपको यह जानकारी दे रहे हैं, जरा देखिए वो तारीख, क्योंकि लगातार। और आपको एक चीज और बता दे, सच बेधड़क वो चैनल है जिसने कल इस पर डिबेट रखी थी, शाम को 5 बजे इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर डिबेट रखी गई थी कि आखिर जिस तारीख को शादियों के सावे हैं, देव उठनी एकादशी का सावा, जब बहुत सारी शादियां हैं, जयपुर शहर की बात करें तो 45,000 के करीब शादियां होंगी, लगभग 45 लाख लोग जो है वो अलग अलग जगह पर शादियों में बिजी होंगे। और आपको बता दें, सच बेधड़क जिसने आपका विश्वास बना के रखा है, और एक बार फिर से एक खबर जिसे सबसे पहले आपको दिखाया है, सच बेधड़क जिसने सबसे पहले इस मुद्दे को भी उठाया, और यही सच बेधड़क जिसने आपको सबसे पहले तारीख में बदलाव होते ही जानकारी भी दी है। यानी अगर आपको पल पल की अपडेट से मुखातिब होना है तो आप देखते रहिए सच बेधड़क। ये सच बेधड़क ही है जिसने कल की डिबेट में अपने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और पूछा था कि आखिर कैसे, जब इतने सावे हैं, शादियां हैं, मैनेजमेंट है, बसें सब जगह अलग अलग लगी होंगी, लोग अलग अलग जगह होंगे, तो इस मतदान पर कितना प्रभाव पड़ेगा। और देखिए, दूसरे दिन ही उस पर एक्शन होता है, यानी चुनाव आयोग ने डेट को चेंज भी कर दिया, तारीख में चेंज हुआ है। 23 तारीख को पहले चुनाव होने थे, दो दिन अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है। और ये खबर, क्योंकि कल सच बेधड़क ने इस पर डिबेट की, और अब देखिए दो दिन इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया, यानी 25 तारीख कर दी गई है।